हाँ भाई दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को चाहे आप उनको कितना भी मौका दे दें वो सुधरते नहीं है। वो ढीठ के बच्चे होते हैं, वो ना एक एक कहते हैं ना एक ढीठ चमड़ी होते हैं। आप उनको लाख मौके दे दें वो ढीठ के बच्चे वही अपनी औकात दिखाते रहेंगे और वही वैसे ही परफॉर्मेंस देते रहेंगे। उनमें पाकिस्तान टीम में ऐसे बहुत से नमूने पाए जाते हैं, उनमें से एक नमूने हैं साई मयूब साहब। आप उनको टीम से बाहर कर दो, प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दो, आप उनको टीम में वापस ले आओ, फिर उनको मौका दो, फिर मौका दो, मौके 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 देते रहो, लेकिन वो ढीठ का बच्चा कसम खा के बैठा है कि उसने परफॉर्मेंस नहीं देनी है। और वो चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ हो, बड़ी टीम हो जाए छोटी टीम हो जाए, आयरलैंड के खिलाफ उसको मौका दिया गया, न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको मौका दिया गया, न्यूजीलैंड सी टीम के खिलाफ मौका दिया गया, फिर इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिला, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में अभी कनाडा के खिलाफ उसको मौका मिला, लेकिन वो ढीठ का बच्चा परफॉर्मेंस दे के ना दे रहा। ऐसा लग रहा है कि उससे तो बैटिंग हो नहीं रही। अभी आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे लिख के देने को तैयार हूँ बहुत सारे नमूने जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं ना, जिनकी वजह से ये हालात हुई है, जिस वजह से ये बंदा हमारे सर पे अजाब बन के बैठा हुआ है। इसी तरह एक इफ्तिखार है, वो एक हमारे सर पे अजाब बन के बैठा हुआ है। आज साई मयूब किसी भी टीम के खिलाफ 50 मार लेना, ये नमूने जो है ना बैठ के उसकी ना एडिट बनाएंगे और उस पर साउंड डालेंगे स्लो मोशन, वो एक शॉट मारेगा टक करके आवाज़ आएगी, वो दिखाएंगे, ओ ये देखो साई मयूब ने छक्का मारा, साई मयूब गिलक्रिस्ट से बड़ा खिलाड़ी हो गया, साई मयूब जो है वो संगकारा से बड़ा खिलाड़ी हो गया, साई मयूब जो है वो सरफ गंगुली से बड़ा खिलाड़ी हो गया, साई मयूब हेडिन से बड़ा खिलाड़ी हो गया, साई मयूब सईद अजमल से बड़ा खिलाड़ी हो गया। ये वो नमूने हैं जिनकी वजह से ये सारों के सर पे हमने चढ़ा के रखा हुआ है। आप लोगों की वजह से ये वो नमूने जिन लोगों ने एडिट बना बना के साई मयूब के एक शॉट को, सिर्फ एक शॉट को पता नहीं कितनी बार ढेर डाला और उसको इतना बड़ा खिलाड़ी बनाने की कोशिश की, उस वो अपने उससे नीचे आ ही नहीं रहा। आप सोचिए जो शख्स एक शॉट से इतना आसमान पे चढ़ गया और अपना दिमाग खो बैठा, अपनी औकात भूल बैठा, वो आ के नहीं दे रहा, परफॉर्मेंस दे के नहीं दे रहा, मौके पे मौके मिल रहे, लेकिन उस शख्स ने भी कसम खाई है कि पाकिस्तान, अरे अपने लिए नहीं करना, कम पाकिस्तान के लिए तो छोड़ ही दो, अपने ही लिए कर लेते। नहीं भाई, कनाडा के खिलाफ भी 12 बॉलों पे 6 रन बनाकर आउट हुए, शॉट्स नहीं लग रहे, रन नहीं हो रहे, रन अ बॉल नहीं हो रहा भाई, हो पा रहा भाई साहब से। तो हालात तो ये है साई मयूब की, और वो भी कनाडा जैसी टीम के खिलाफ। तो अब हम अंदाज़ा करें, अभी यूएसए के खिलाफ खिला लेते तो क्या होता, ये बने आगे अगर आगे चले गए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो तो पता नहीं हम क्या करेंगे। तो भाई साई मयूब हो जाए, इफ्तिखार हो जाए, खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ दो, आप लोगों से बहुत मौके मिल गए, अब आपसे नहीं हो पाएगा। और उस्मान खान, खुदा के वास्ते यार तुम भी यार बहुत ही बड़े ब्लंडर हो, जाओ पाकिस्तान के डोमेस्टिक खेलो, फिर तुमको समझ में आएगी कि लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। बाकी यार यहाँ पे कुछ नहीं बदलने वाला, जब तक ये नमूने बैठे रहेंगे, इन नमूने को आप टीम से बाहर नहीं निकालेंगे, और प्लेयर्स पावर जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। राय का इजहार जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़।